अब उसको इस वाले बैलेंस शीट को यानी 31,320 वाला जो बैलेंस शीट है उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एस पे बनाया हुआ होगा, उस बैलेंस शीट को इंड एएस के हिसाब से रीड्राफ्ट करना पड़ेगा। द बैलेंस शीट विच हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एज ऑन 31,320 दैट इज 1,420 हैज टू बी रीड्राफ्टेड एज पर इंड एएस। प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट 1,420 का बैलेंस शीट समझ लो ना, 21,22 करेंट ईयर है तो 1,420 सिंपल तो बोल रहा हूं। 31 मार्च 22 करेंट ईयर का बैलेंस शीट होने वाला है, 31 मार्च 21 पिछला साल का बैलेंस शीट होने वाला है, ये उसके पिछला साल का बैलेंस शीट माने प्रीसीडिंग ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो सर क्या करना है, 1,420 की बैलेंस शीट को इंड एएस कंप्लायंट कैसे करें? एक तो लाइबिलिटी साइड ऊपर और असेट साइड नीचे दिखाते थे एग्जिस्टिंग एएस में, इंड एएस में उल्टा करना है, तो वैसे करके बैलेंस शीट बनाओ, बस सर उतना ही नहीं रे पगला, बहुत लंबा कहानी है इसमें। मेन कहानी है 4R पॉलिसी। ये 4R मेरा वर्ड है, इंस्टीट्यूट का नहीं है। मैंने बच्चों को याद करने के लिए एक 4R पॉलिसी डिजाइन किया है ताकि बच्चों को याद हो जाए, ठीक है। अब ये 4R पॉलिसी क्या है, एक मिनट, फोर आर पॉलिसी है रिकॉर्ड, रिमूव, रीमेजर, रिक्लासिफाई। रिकॉर्ड, रिमूव, रीमेजर, रिक्लासिफाई, 4R पॉलिसी। सर करना के ये सब लिखाएंगे हम आपको, ये मेरे पहले और दूसरे पैराग्राफ का डिस्कशन चल रहा है, कंटिन्यू करूं। तो रिकॉर्ड का मतलब हुआ उन असेट लायबिलिटी और इक्विटी को रिकॉर्ड करो जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड नहीं है आपके एग्जिस्टिंग एस के हिसाब से, लेकिन इन एस के हिसाब से वो आपके बैलेंस शीट में आने चाहिए, तो उनको रिकॉर्ड करो। रिमूव, उन असेट लायबिलिटी और इक्विटी को हटाओ जो ऑलरेडी आपके बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग एस के हिसाब से हैं, लेकिन इन एस के हिसाब से उनको नहीं रहना चाहिए। रीमेजर, उन असेट लायबिलिटी इक्विटी के अमाउंट को चेंज करो जो एग्जिस्टिंग एस के हिसाब से मेजर किए हुए हैं, लेकिन इन एस के हिसाब से उनका मेजरमेंट अमाउंट अलग होता है, तो उनको रीमेजर करो। रिक्लासिफाई, उन असेट लायबिलिटी और इक्विटी को रिक्लासिफाई करो, नॉन करेंट को करेंट में, करेंट को नॉन करेंट में, लायबिलिटी को इक्विटी में, इक्विटी को लायबिलिटी में, जहां पर इंड एस के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए और आप एग्जिस्टिंग एस के हिसाब से कुछ और क्लासिफाई करके बैलेंस शीट बनाए हो, तो उसको इंड एस के हिसाब से रिक्लासिफाई करो। आपको ये चार काम करना पड़ेगा, रिमूव, रिकॉर्ड, रीमेजर और रिक्लासिफाई। ये चारों काम आपको 1,420 वाली बैलेंस शीट के लिए करना होगा, और 1,420 का जो बैलेंस शीट बनेगा वो पहले इंड एस कंप्लायंट बैलेंस शीट बन जाएगा अगर आप ये चार काम कर लेंगे तो। इस चार काम को करते वक्त या करने का प्रोसेस में रूल क्या है और एग्जेम्पशंस क्या हैं? नहीं समझे, वो डिस्कस करने के लिए इंड एस 101 बनाया गया है, समझे। तो एक बार अगर 1,420 का बैलेंस शीट इंड एस कंप्लायंट हो गया बाई फॉलोइंग योर 4R पॉलिसी, तो आप समझ लो आपका ट्रांजिशन डेट का काम हो गया।
बस आप ये याद रखना कि ये सब काम जब आप करेंगे और आपके लिखे हुए अमाउंट में और नए अमाउंट में, पुराने लिखे हुए अमाउंट और नए अमाउंट में अगर कोई भी डिफरेंस आया तो उसको रिटेंड अर्निंग से एडजस्ट करना है, उसको करेंट ईयर के पीएल में नहीं भेजना है क्योंकि वो पुराना लफड़ा सब है। क्लियर? कई बार वो पुराना लफड़ा ओसीआई में भी क्रेडिट हो सकता है पर बैलेंस शीट के ओसीआई में, पीएनएल वाला करेंट ईयर में नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप ये समझो ना, उसको रिटेंड अर्निंग में डालना है नॉर्मली स्पीकिंग। उसके बाद जो 2021 का पीएल है, प्रीसीडिंग ईयर जो कंपेरेटिव के लिए आप देंगे, उसको इनडेस कंप्लायंट ड्राफ्ट करना है। सर वो तो हम बना चुके हैं, मालूम है। सर वो हम एग्जिस्टिंग एज पे बनाए हैं, मालूम है। उसको इन डेज के हिसाब से रिड्राफ्ट करो, हर आइटम को इन डेज के हिसाब से मेजर करो, क्लासिफाई करो, लिखो। और 31/3/21 की बैलेंस शीट इन डेज के हिसाब से बननी चाहिए। फिर 21/22 का पीएल इन डेज के हिसाब से बनना चाहिए और 31/3/22 का बैलेंस शीट भी इंडेस के हिसाब से बनना चाहिए। तो ये जो पीएल और बैलेंस शीट को इंडेस के हिसाब से बनाना, ये डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है 1/4/20 वाले दिन जो बैलेंस शीट को एडजस्ट किए ना, क्योंकि पीएल को इंडेस के हिसाब से बनाना, बैलेंस शीट को इंडेस के हिसाब से बनाना कोई बड़ा टास्क नहीं है, वही तो 100 दिन से पढ़ रहे हैं। बड़ा टास्क है ये कि 1/4/20 वाला जो पुराना बैलेंस शीट है उसमें जो 4R पॉलिसी फॉलो करना है वो कैसे करना है, उसमें क्या एग्जेम्पशन है, क्या रूल बुक कहता है, वो पढ़ना है।